करे आप है जे बड़े फोरा ट्वेंटी हिलाते हैं झूठे रोजा घंटी। का बात कर रही हो मैडम जी? अरे का हो, का हाल बा? का हो, का हाल बा? का हो, का हाल बा? चल घंटी प्रसाद वीडियो लगा। देखो मैडम जी, आप जो ये दिल बोलते हुए इशारा कर रही हैं, उसे तो दिल बिल्कुल भी नहीं बोलते, बल्कि उसे तो कुछ और ही बोलते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मैडम जी, आपने अच्छे से ही सुना है ना कि वो लोग दिल ही मांग रहे हैं। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, ये दिल की जगह कुछ और भी मांग सकते हैं। रुक रुक रुक, फिर से दिखा दिखा दिखा। आपको कुछ दिखा? नहीं दिखा? मैं दिखाता हूँ। ये क्या, ये पीछे की बात करते समय पिछवाड़ा दिखाना जरूरी होता है क्या भाई? ऐसी बात है, इस भाई साहब को मैडम जी का बॉयफ्रेंड बनना है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अब एक बार इस भाई साहब के थोबड़े पे भी मुंह मार, मतलब नजर मार लो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? किसी जंगल का विलुप्त प्राणी लग रहा है ये। क्या बात कर रहे हो मैडम जी, यही बात जब खेसारी भैया ने कहा था। तब मैंने तो विश्वास ही नहीं किया। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। अच्छा मैडम जी, एक बात बताओ, आप ये दिल आखिर किसको किसको दोगी? क्योंकि आपके पास एक ही दिल है और मांगने वाले हजार लोग हैं। दिल पर के दे दे के मांग एक जान पर के लड़का तो सुन दिल पर के दे दे के मांग एक जान पर के लड़का तो सुन। तो क्या करूं मैडम जी, मैं भी रेडी हो जाऊं, शायद मेरा ही नंबर लग जाए, क्योंकि मैं भी तो जौनपुर से हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक जौनपुर के लड़के तो सुन ले हमर राजकुमार हम हो कि वो कर परी हो। अच्छा, आप भी पापा की परी हो? मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। हम हो कि वो कर परी हो। अच्छा हुआ आपने बता दिया। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। मैंने ये गाना पूरा सुना, गाना तो बहुत अच्छा है, डांस तो उससे भी अच्छा किया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है। क्या कमी रह गई है घंटी प्रसाद, क्या कमी है भाई बता? यही कमी थी। वाह क्या सीन है, क्योंकि जब तक भोजपुरी गाने में ढोंढी चोली व चड्ढी जैसे महान शब्दों का प्रयोग ना हो, तब तक भोजपुरी में भला कोई गाना गाना है? अच्छा तो कहा मैडम जी, आजकल देवरा से काम नहीं चल रहा है का? अरे मैडम जी, मान लिया आपकी ढोंढी में मैल जम गया है, तो मैं किस लिए हूँ? इन हजार लोगों की क्या जरूरत है?
मैंने तो अपनी पिछली वीडियो में ढोंढी साफ करने के बहुत से तरीके बताए हैं, जाके उस वीडियो देखो और कोई भी तरीका ट्राई कर लो। इन हजार लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपकी ढोंढी साफ भी हो जाएगी। और जिन लोगों को ढोंढी साफ करने का तरीका नहीं पता है, तो पोस्टर आपके बाजू में दिख रहा है और मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप सीख सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो हाँ मैडम जी, अब क्या बोल रही थी? अच्छा मैडम जी, ये जो हजार लोगों से आप ढोंढी चटवाती हो, तो क्या बारी बारी या सब एक ही साथ? नहीं, ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक साथ तो हजार लोगों का जीव आपकी ढोंढी तक पहुँच नहीं पाएगा, और अगर एक साथ कोशिश करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। ऊपर तो हुआ तो मान लो ठीक ठाक है, कहीं गलती से वो नीचे चले गए तो लुधियाना वालों का क्या होगा, जो बरसों से वहाँ पे पूरा अपना बसेरा डाल के बैठे हुए हैं। और कुछ कोई बोलता है? ओ, गहिर इनार तक पहुंच गए, मतलब प्रोग्रेस तगड़ा है भाई, लगे रहो। तो बस आज के लिए वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। वीडियो थोड़ा देरी से आया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।